और दान अपनी वस्तु का होता है, उसका भी एक विवरण है, अभी आने ही वाला है। इतना है कि उपवास में सांसारिक कार्यों में निवृत्ति रखनी है और धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति रखनी है। इतनी सरल सी बात है। धर्मामृतम सतृष्णः, प्यास लगेगी तो उपवास के दिन जो प्यास लगेगी तो पानी तो पीना नहीं है, फिर क्या पियेंगे? तो बोले कि श्रवणाभ्याम पिबतु, अब कानों से पीना, जिनवाणी पीना, पानी मत पीना, जिनवाणी को कानों से पीना। पानी मुंह से पी रहे थे, अब मुंह एक ही था, अब दो दो कानों से जिनवाणी को पीना। और अन्यान पायेद वाह, दूसरों को भी पिलाना, जिनवाणी सुनाना। ज्ञान ध्यान परोवा, ज्ञान में और ध्यान में तत्पर रहना। और अतंद्रालु उपवसन, उपवास करने वाला आलस्य और निद्रा से दूर रहे। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में तो यहां तक लिखा है कि उपवास की रात को सोना नहीं, माने उपवास की रात को नहीं सोना और उपवास के एक दिन पहले की रात को, यानी आपने एक दिन पहले ही तो संकल्प किया ना, सप्तमी को संकल्प किया कि अष्टमी का उपवास करेंगे, तो बस उस रात को भी आप धर्म ध्यान करना, सोना नहीं, ऐसा लिखा। 48 घंटे की पूरी विधि दी हमने, पूरे धर्म ध्यान के साथ 48 घंटे निकालना। तो आज दोपहर का भोजन करके उपवास का संकल्प किया, कल दोपहर का पूरा उपवास था पूरे दिन का, फिर परसों दोपहर को साधु को आहार देने के बाद आहार लेंगे, तो वो 48 घंटे का पूरा प्रोषित उपवास होता है, बिना सोए, बिना दुनियादारी में फंसे। उस उत्तम विधि उसकी, निद्रा लस्य रहित अतंद्रालु। आचार्य प्रभाचंद स्वामी कह रहे हैं निद्रा और आलस्य से रहित जो है वो अतंद्रालु है। फिर इसमें उत्तम, मध्य और जघन्य के भेद होते हैं, अपनी शारीरिक स्थिति आदि को भी देख करके ये सब अभ्यास करने होते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि इसकी प्रक्रिया देखो कैसी है। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभ माचरति। चारों प्रकार के आहार का विसर्जन उपवास कहलाता है। और प्रोषध सकृत भुक्ति, प्रोषद का अर्थ एकाशन कहलाता है, एक बार भोजन करना प्रोषद है। चारों आहार का त्याग उपवास है और एक बार भोजन करना प्रोषद है। सब प्रोषद उपवास हो, और प्रोषद उपवास वो है यत उपोष्यारंभ माचरति। जो उपवास के दूसरे दिन फिर प्रोषद एकाशन करता है, उपवास के दिन तो आहार निराहार था, उपवास के दूसरे दिन एक बार भोजन करता है, वो प्रोषद उपवास है। यत पुनरुपोष्य उपवासम कृत्वा पारणक दिने आरंभम सकृत भुक्तिम आचरति। पारणा के दिन एक बार भोजन करता है। इत्यनुतिष्ठति सब प्रोषद उपवासो विधीयते। इस प्रकार से अनुष्ठान करता है तो उसको प्रोषद उपवास कहा जाता है। फिर वैसे प्रचलन में तो यही है कि सप्तमी को एकाशन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एकाशन, तेरस को एकाशन, चतुर्दशी को उपवास, अमावस पूर्णिमा को एकाशन, ऐसा चलन है। ठीक है।